नमस्कार प्रणाम। मैं गौतम और हमारे साथ बने हैं समर प्रताप सिंह। तो मगहिया जवान के आंगन में आज हमारे साथ जुड़े हैं भोजपुरी के शिखर पुरुष कहे जाने वाले भरत शर्मा व्यास जी। तो सर, मैं पहले पूछना चाहूँ, कैसे हैं आप सर? अच्छे हैं हम, और हमारे तरफ से मगहिया जवान और आपके चैनल के पूरे परिवार को, गौतम जी आपको और समर जी को जी। साथ ही हमार श्रोता बंधु जो भी बात जो देख रहा बात सबके हमारा तरफ से भरत शर्मा व्यास के तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं हम जी। जी जी सर, प्रणाम सर। सर, आपको मगहिया परिवार आज मगहिया आंगन में स्वागत वंदन व अभिनंदन करता है। सर सर, हम चाहें कि आप मगहिया परिवार व दर्शकों को अपने द्वारा गाया गया सबसे सुंदर और मनमोहक गीत हमारे दर्शकों को सुनाए। सर, प्रसिद्ध हो रहे गीत सातों रे बहनिया से देवी गीत से शुरुआत करते हैं हम। जी सर। निमिया के डाढ़ी मैया, निमिया के डाढ़ी मैया, डाले लिया सनावा कि झूमी झूमिना। निमिया के डाढ़ी मैया, डाले लिया सनावा कि झूमी झूमिना। मैया झूले ली झूला नवा कि झूमी झूमिना। मैया झूले ली झूला नवा कि झूमी झूमिना। बहुत 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 शुक्रिया सर है इस गाने के लिए। हमारी पूरी मगहिया परिवार आपको सर शुक्रिया अदा करता है सर। और ये गाना हम सर देवी मंदिर में बहुत बजाते थे सर, बहुत अच्छा लगता था ये गाना सर। एक समय था सर कि ये समय क्या, आज भी गाना अगर ये बजता है हिंदुस्तान के कोने कोने में तो सारी गीत आज के फुहड़ गायकों का फीका पड़ जाता है। बिल्कुल सर, इस गाने के सामने और रोवा खड़ा कर देता है सर अपना। सर, अब मैं सवालों की शुरुआत करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। सर सर, हम सभी मगहिया परिवार के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है सर, अश्लीलता से मुक्त भोजपुरी, इसके बारे में सर हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बहुत वर्ष के सराहनीय कार्य बा। बहुत बहुत धन्यवाद ये आप सब। भोजपुरी में जौन अश्लीलता फैलल भी, आप जौन बाढ़ आई बा अश्लीलता के, ओकरा में कम से कम आप सब आगे आकर के एकर खिलाफ पर तनी सबे आवाज उठौले बनी। एकरा खाती हम बहुत बहुत आप सबके आभारी बनी। भोजपुरी की तरफ से हम साधुवाद देतनी आप समर जी के और आप गौतम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। सर, सुबह मैंने एक आपका पोस्ट पढ़ा था सर, ऑफिस जाने से पहले, जिसपे आपने लिखा था कि आपके द्वारा 20 दिन पहले एक भोजपुरी माई हिया करके कोई अश्लीलता के खिलाफ गाना गाया गया था सर, जिस गाने को शायद इंडस्ट्री के साइबर गिरोह ने आपके यूट्यूब चैनल से गायब कर दिया। 20 दिन होने के बाद और काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, और इस अश्लील गाने जो गायक गा रहे हैं आजकल के फुहड़ गायक, उनके विरोध में आप बहुत सुंदर एक प्रस्तुति किया था जिसको उड़ा दिया गया। तो इस गिरोह के बारे में हमारे दर्शकों को सर आप क्या बताना चाहेंगे सर? ना ऐसा है गौतम जी कि एक गीत हम डाले थे अश्लीलता के खिलाफ। हम सबसे पहले तो अश्लील गीत जन गई है, ये तो पहले हम डाले रही। जी सर। बाकी दूसर का एक गीत डाले नहीं है कि गीत भोजपुरी से संगीत भोजपुरी से अश्लील मिटावल जाए। जो बात जी हाँ, एक रख डाले नहीं है तो ये जो बोलवे दो चार दिन तो बड़ा अच्छा चला और एक व्यू भी अच्छा रहे। बाकी हमरा ई पता ना चले जे कब हमरा चैनल से करके हटा दिया जी, ये हमरा के एक गीत के जे गीतकार रहे काल हमरा के फोन करके बतौले कि भैया वो गीत जो है आप गाए थे माई भोजपुरी के वो यूट्यूब चैनल पर दिखत नहीं थी। जी सर। तब हम अपना चैनल पर देखूं तो कहीं यूट्यूब पर नहीं खे, फेसबुक पर नहीं खे, पेजों पर नहीं खे, ट्विटर चैनल पर लिखे, इंस्टाग्राम पर लिखे, दो चार गो लड़का हमारा अगल बगल में रहो सब पे देखा था नहीं तो केहू पर लिखे। मतलब तो ऐसा बात हमारा बड़ा ताजुब हो गए जो हम यूट्यूब पर चढ़ौले बनी, यूट्यूब से
एकरा के ऐसे क दिहल बने एकरा के हटा दिहल गुल पूरा अथी से अभी तक के हमरा पता न चलल कि मने के ऐसा काम कर लेकिन केहू काम ए तरह के काम कैले बा हरकत जुलबा जी भी ओके जी सर जी इतर एगो गिरोह बा जी 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 बिल्कुल 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 सर जी एगो गिरोह बा ई गिरोह जुलबा काम कर दिया कि आपका गीत जो कुछ उन लोग के खिलाफ यदि चलता जी, है जी जी तो वो लोग उसको हटवा देगा बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या है ना कि मैं तो गिरोहियों को भली भांति उन गिरोहियों से वाकिफ हूँ सर। क्या है कि हमारे चैनल पे भी बहुत सारे गिरोहियों के द्वारा स्ट्राइक्स क्या स्ट्राइक क्या लगाया जा रहा है क्योंकि पता है कि जो हम जवान खड़े हैं हमारा आज इतना बड़ा मगहिया परिवार जुड़ा है सर यूपी झारखंड और बिहार से खास तौर पे तो उन गिरोहियों का काम ही यही है सर। ये लोग ना गिरोही को पूरा इंडस्ट्री से पैसा मिलता है और एक ठीक करके रखा गया है कि आपको किस जी किस जी। गायक को किस कलाकार को नहीं चलने देना है किसके गाने को उड़ा देना है ठीक उसी प्रकार आपके साथ भी किया गया है श्रीमान। और ये सर लास्ट में हमको बात होकर के आज फिर उस गीत को डालना पड़ा। अच्छा, जी अच्छा। आज फिर डाल दिए हैं माई भोजपुरी जी। माई भोजपुरी के जी। आज हम अपने चैनल पर भरे सर्व ऑफिशियल पर फिर हम आज डाले जी, 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 जी। अब देखिए फिर क्या होला जी जी जी। हालांकि भरत शर्मा सर जी मैं अपने दर्शकों को भी आपके गानों को अपने तरीके से दिखाऊंगा कि हमारे सर ने और हमारे एक मतलब भोजपुरी अस्मिता को बहुत बहुत एक शिखर पर पहुंचाने वाले भरत शर्मा ब्याह जी ने किस प्रकार से अश्लीलता के खिलाफ गानों को गाया और इनके गानों को गिरोहियों द्वारा उड़ाया गया हर सोशल साइट से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ जी, सर मौजूद हैं तो इनके फेसबुक से इनके यूट्यूब से इनके इंस्टाग्राम के हर एक क्षेत्र से उस अश्लीलता के खिलाफ में गाए गए गाने को उन गिरोहियों को द्वारा उड़ा दिया गया है। तो मैं तो सबसे पहले सर उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कल के डेट में हमारे साथ हमारे सर के साथ भरत शर्मा ब्याह जी के साथ बहुत सारे न्यूज पत्रकारों का भी मैंने वीडियो देखा था तो उन लोगों को कहूँगा कि कम से कम गिरोहियों को सबक सिखाने के लिए और गिरोहियों को पकड़ने के लिए हालांकि ऐसे गिरोह हैं जो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है साइबर क्राइम के जरिए और हम सब चाहेंगे सर ना कि उन गिरोहियों को कम से कम सलाखों तक ले जाएं। जी जी अगर पर्दाफाश हमारा मगहिया जवान बहुत जल्द करेगा उन गिरोहियों का अगर जिस दिन पता चलता है सर और पता चलेगा सर गलत करने वाले ज्यादा दिन तक नहीं छुपते बिल्कुल सर। देखिए ऐसा है ना कि जैसे माफिया है ना जी उस तरह से अश्लीलता माफिया है बिल्कुल बिल्कुल सर जी 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 ये अश्लीलता माफिया है लो ये लोग किसी को चलने नहीं देगा जी जो है इन लोग का ग्रुप है इन लोग का टीम है बिल्कुल सर किसका गीत चलने देना है किसका गीत नहीं चलने देना है बिल्कुल सर ये लोग का दुकान जो बंद होने वाला है सर दुकान तो बंद होगा ही बहुत दिन दुकान इन लोग का चला लेकिन अब दुकान चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इन लोगों को क्या है ना कि सर एक जब कैसे एक कहावत है सर कि जब मतलब कुत्तों की मौत आती है तो शहर की ओर कैसे तो एक कहावत है ना भागता है तो इन लोगों को पता चल गया है कि अब हम लोगों की दुकानें ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं लोग जान चुके हैं और इन लोग का जो कमाई था ना सर ये अश्लीलता गाकर माँ बहनों है ना बहन बेटियों का नाम उछाल कर जिससे आप कोसों दूर रहें और अब पीछे के कलाकार आपके बैच के जितने भी कलाकार थे मदन राय जी और बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जो हद तक मतलब इस चीज़ों को छुपाए रखा लेकिन इन मूर्खों का यही एक कड़ी रहा है ये लोग इसको समझते हैं सर अपना प्लस पॉइंट कि वो गाना है। देखिए ऐसा है कि 50 वर्ष हमको गाते हुए हो जी सर जानकारी है सर जी जी 1971 से हम गा रहे हैं और उस दिन से लेकर आज तक लोगों का प्यार कहिए श्रोताओं का प्यार कहिए स्नेह कहिए भगवान की कृपा कहिए जी सर हाँ और अपना कर्म कहिए कि आज तक 50 वर्षों से आज तक मेरे श्रोता जो हैं अपने हाथ पर लिए हुए हैं और अपना प्यार स्नेह आज तक देते आए जी सर ये कहने ठीक है ना पूरे श्रोता जाते हैं जी जी ये जितने लोग आ रहे हैं इन लोग ये लो है तो दो दिन के जैसे बाढ़ में मेढक ना वाला सब बस जी बाढ़ में मेढक बैंक जो ना वाला सब बाढ़ भर लो सब ओकरा बस पते नहीं बिल्कुल 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 सर जी बुझाता ना तो ये लो ऐसा है कहने का मतलब ये है कि भोजपुरी
भोजपुरी या कोई भाषा हो, जिस भाषा में आप गाते हैं उस भाषा की मर्यादा सभ्यता संस्कृति को बचाते हुए आपको हमको सबको गाना जी है सर। जी ताकि हमारी मर्यादा बची रहे। ये न कि देखिए भोजपुरी भोजपुरी हमनी के माई है जी बिल्कुल सर, भोजपुरी मतारी है हमनी के, आ वो भोजपुरी मतारी के 25 करोड़ लोग बोले वाला समझे वाला सुने वाला गावे वाला देश से लेके अब विदेश कई देशन तक ले एक संतान बने। जी सर जी, आप बताइए कितनी मने एथी की बात है, शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक भोजपुरी माँ को स्मिता को बचाने वाले लाज को बचाने वाला कोई आगे नहीं आ रहा सर। मूर्खों और गंवारों को इज्जत का परवाह नहीं होता सर, लेकिन अगर उसे इज्जत की परवाह नहीं है तो आज हमारा पूरा भोजपुरिया समाज जाग चुका है। उसे अगर परवाह नहीं तो हम उसकी परवाह को याद दिलाएंगे कि इज्जत और अस्मिता और भाषा का मर्यादा क्या चीज होता है। जी सर, एक सवाल यह भी था सर कि हमारे द्वारा चलाए गए इस मुहिम को लेके सर अभी बहुत लोगों में जातिवाद का भावना उत्पन्न हो रहा है। उनका कहना यह है कि आप जातिवाद कर रहे हो, जैसे कि हम अगर पवन सिंह पे वीडियो बनाते हैं उनका विरोध करते हैं, खेसारी लाल यादव जी का विरोध करते हैं, तो उसमें सवाल करते हैं कि पवन सिंह पे वीडियो क्यों बनाए, उनके फैंस लोग हों चाहे फिर कोई भी जो मानते हो उनको अपना सगा संबंधी। देखिए हम किसी का नाम नहीं लेंगे और हम इतना ही कहेंगे कि किसी से मेरा जाति दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल सर, हमको किसी सब कलाकार मेरे लिए आदरणीय हैं और वो आदर के योग हैं। कलाकार एक जाति अलग है जी, कलाकार एक जाति। बिल्कुल सर जी जी, वो कोई बाबू साहब कोई बाबा जी है कोई कोई एक जात वो जात नहीं होता है, कलाकार एक जात है। मैंने सर पहले भी लोगों को बता चुका है अपने एपिसोड के माध्यम से कि मुझे किसी के साथ ना जातीय दुश्मनी है ना पारिवारिक विवाद है ना जमीनी विवाद है, फिर भी उन अपना मूर्खता दिखाने में नहीं चूकते हैं सर। नहीं नहीं, जो लोग इस तरह से बात बोलते हैं कि नहीं ये जातिगत लेकर के जाति दुश्मनी लेकर के वो कहते हैं, वो उनके ध्यान में उनके सोच में उनकी मानसिकता में वही बैठा हुआ जी, है जी जी, जाति कहां से आ गई बात जी सर। बिल्कुल, जाति की बात नहीं, मैंने तो सर जो भी अश्लील गीत गाता है, जो भी भोजपुरी में अश्लील गीत गाता है, बलगर गीत गाता है, किसी भी जाति का हो जी, चाहे किसी भी जाति का हो, उसका हम विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, और करते आ भी रहे हैं सर, करते आ भी रहे हैं। उसका विरोध होना चाहिए। बिल्कुल सर, और हम सैकड़ों गायकों का मैं एपिसोड बना चुका हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। दोनों भाइयों का कसम है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं, मतलब इस तरह के कलाकारों के। मैं तो हम तो दोनों भाई के गौतम जी के समर जी सर हम रोज देखिला। अरे सर सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर जी जी जी, रोज देखिला और देख करके बहुत खुशी होला। ये बात है कम से कम आप ही, हम नहीं कहेंगे तो मगहिया तो मैथिली तो भोजपुरी तो ये आप तो दो भाई खड़े तो हैं अश्लीलता के विरोध। सर छोटा सा सवाल रहेगा सर इसी बीच में सर, हम क्यों कहेंगे आप मगहिया है, आप मगहिया होकर के ये करते हैं, मैथिली होकर के करते हैं, भोजपुरी होकर करते हैं, हम नहीं, भोजपुरी के अश्लीलता के विरोध तो खड़े हैं ना जी सर। हाँ बस इसी पर लोगों का सर ये जो कदम उठाया ना सर, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि भोजपुरी सबसे बड़ा, अभी जो भी गाना आता है भोजपुरी का सबसे ज्यादा अश्लील वहीं से उत्पन्न होता है सर, बाकी तो जो छोटे छोटे हैं उनको हम पकड़ेंगे ही और अभी पकड़ रहे हैं सर। देखिए ऐसा है कि मैं जिस समय टी सीरीज में ज्वाइन किया 89 में जब टी सीरीज में ज्वाइन किया उस समय भी दो एक लोग थे, नाम नहीं रखेंगे, सब लोग जानते हैं उस समय कौन थे, लेकिन वो लोग अश्लील गीत गाते गाते वो लोग ऐसा विलीन हुआ समाज से जी। श्रोता उन लोग को नकार दिया। नहीं नहीं वो पता है सर, जानकारियां हैं हम लोगों को, भली भांति जानकारियां हैं, नकार दिया। आज भी वो लोग जिंदा हैं जी 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 जी, अपनी गाली सुनने के लिए, अपना उपहास सुनने के लिए जिंदा है और सुनते भी हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल,
लेकिन किस लिए जिंदा है? तो लाखों लाख फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गाली सुनने के लिए जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जैसा करेगा, जो जैसा वो करेगा तो वैसा पाएगा ही सर ना। और आज भी जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, आज ही नहीं कई पीढ़ी तक लोग गाली सुनेगा, लाखों लाख। देखिए शर्म लोग को नहीं आती है कि इतने लोग, मैंने इतना लोग बोल रहा है, खिलाफ कर रहा है कि भाई इस तरह से मत करिए, इस तरह से भोजपुरी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लेकिन लोग मानता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल, कितना बेशर्म है ये लोग। अच्छा बोलते हैं तो ये लोग धीराता भी है लोग, हम हाई कर देंगे, हाई कर देंगे, आपको ये कर देंगे। यही बात है सर, दुख यहीं से उत्पन्न होता है सर, थोड़ा सा शरीर को। धीरावतों वालो हमारा खिलाफ बोल बताइए करो, भैसे करो, हाई करवा दे, भोग करवा दे। जी जी बिल्कुल सर, हम लोगों को भी सुनने को मिल रहा सर। ये कोई गाना है जो बताइए, जाति लेकर के पांडे जी, यही ना बाबू साहेब, तो बाबा जी, तो भुईहार जी, तो यादव जी, तो हई जी लेकर के गाना गावल, बताइए। कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने फलनवा के बेटी सपनवा में आती है, मौसी के बेटी सपनवा में आती है, तो चाची के बेटी तो ये तो वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, पांडे जी का बेटा है तो स्टेजवा पर चुमा लेगा, और राहड़ में जाएंगे यादव जी के बेटा, यही सब चल रहा है अभी इन लोग का सिलसिला। बताइए इन लोग को यही मीटर मिलता है गाना गाने के लिए। कहता है जो हम स्टार है, स्टार बिल्कुल बिल्कुल स्टार, मतलब मूली स्टार, गाजर स्टार, शकरकंद स्टार, इस सब स्टार का नाम भी है एक एक पर सर ना, आजकल नाम भी ले लिया आपके, दौर में नहीं होता था नाम, सब स्टार बना लिया है लोग। बिल्कुल बिल्कुल, खुद से सर, खुद से ही बनाया गया है। कोई रॉक स्टार कहता है, कोई हाई स्टार कहता है। जी 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 बिल्कुल, कोई स्टार तो 12 स्टार, कोई झामा, कोई झामा, कोई झामा स्टार, कोई हसुआ स्टार, यही सब अपने आप में नाम बना लिया सर। बताइए सर, अगला सवाल की शुरुआत करूंगा सर मैं, चौथा सवाल सर, आपने तो लगभग 5000 गानों को गाया है और 23 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया है सर। जी जी जी, और आपकी लोकप्रियता पूरे हिंदुस्तान में विराजमान है, ये सब इसलिए कि आपने अब तक साफ सुथरी गायनों को गाया सर, और मतलब फुहड़ता से लाखों कोसों दूर रहा आपने, तो कहीं ना कहीं उसी का देन है कि आपको इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया है सर। पर जो आजकल के कलाकार हैं अपनी भोजपुरी माटी और अस्मिता को क्यों धूमिल करना चाहते हैं सर, थोड़ा दर्शकों को बताइए आप। ऐसा है कि आज के कलाकार जो हैं, ये लोग रातों रात चाहते हैं कि हम चांद पर चढ़ जाएं। जी जी, और चंद पैसा कमाने के लिए, काज नहीं, लोग कितना पैसा कमाएगा, पैसा कमाने का तो सबका जरिया है, सबको चाहिए पैसा। बिल्कुल, पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को बेच दें, बिल्कुल, अपनी बहन को बेच दें, मतारी को बेच दें, सब ताक पर रख दें। ये लोग जो है इस तरह से मानसिकता, ये लोग रातों रात हिट होने के लिए और चंद पैसा कमाने के लिए, ये लोग व्यूअर बढ़ाने के लिए, अब ये लोग लिख देता है कि मेरा व्यूअर जो है मिलियन में, आज युवा आज मिलियन में चला गया। सर सर सर, इस पे छोटा सा बात मैं कहना चाहूंगा आपको, आजकल देखिए जब से हमने मुहिम को चलाया है, खास करके हमारे मगहिया परिवार यूपी और झारखंड बिहार से जुड़े हैं, इस मुहिम के चलाने के दरमियान जितना भी बीच में गाना आया है सर ना, ये लोग एक पेड प्रमोशन का एक ट्रेंड लाए हैं। जी, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बताऊं सर कि पेड प्रमोशन में क्या करते हैं लोग, कि जब गाना YouTube पे रिलीज करते हैं ना, तो रिलीज के समय लाखों लाख रुपए पैसे उस पे खर्च करते हैं, और अपने दर्शकों को गुमराह करने के लिए ये लोग एक खेल खेल रहे हैं अभी, कि देखो हम, हमारा गाना ना ऐसे चलता है, इतना विरोध हो रहा है ना, सिर्फ भी देखो दिन 24 घंटा में 10 मिलियन, 4 सेकंड में 2 लाख, 3 लाख, ऐसे व्यूज जा रही है सर। गौतम, हमको कहने का मतलब ये है, जी जी, आप मिलियन मिलियन दिखा करके क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? गुमराह, 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 सिर्फ गुमराह। भोजपुरी के लोगों को आप मिलियन बता करके, जब हम 10 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए, इतना मिलियन हो गए, ये क्या बताना क्या चाह रहे हैं आप? अब वैसे हालांकि सर कहेंगे कहीं ना कहीं हमारा मतलब मूर्ख जनता और श्रोता भी कहिए कि उस प्रकार के हैं, जे अंधभक्तों की तरह अपनी अंधभक्ति करते हैं गायकों की, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पहले समझना होगा। सुनिए हमारी बात को, आप मिलियन, कई मिलियन कमाते हैं, बढ़ाते हैं कई मिलियन जी,
और लाखों लोग रोज गाली लोग देते हैं सोशल मीडिया पर, यही मिल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यही भरा पड़ा रहता है सर। आप कमेंट बॉक्स में देखिए खाली लोग गाली देते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो मिलियन से क्या मतलब है? मिलियन बढ़ाना है तो अपना नाम बढ़ाओ, जस बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, लोगों का प्यार बढ़ाओ। अच्छा कहता है लोग आई लव यू। हाँ, दिल की बात छीन ली है सर, दिल की बात छीन ली, मैं भी कहने वाला बेटा है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, अपना नाम आई लव यू अगर उनको लिखने बोल दिया जाए सर ना। अरे क्या बताना चाहते हो भाई। हाँ, और देखिए ऐसा ही लोग कर दिया, ही लोग ऐसा ग्रुप बनाया है जी जी, जे ये लो इन लोग के खिलाफ यदि बोलते हैं तो ये लोग कुछ भी कर सकता है, करवा सकता है, ये लोग बोलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ना, लेकिन हम लोग झेल रहे हैं सर। हमारे साथ खुद ही ऐसा हुआ है सर, 3 महीने से लगातार झेलते आ रहे हैं सर। अभी ऐसा है कि 50 बरस से हम इसका विरोध करते हैं। देखिए आज के 25 वर्ष पहले मैं टी सीरीज में अश्लीलता के विरोध गीत गाया था, मैं एक सुना रहा हूँ। जी सर, जी जी जी, आज अश्लीलता अश्लीलता लोग कर रहे हैं, 25 वर्ष पहले मैं इसका विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूँ। और भोजपुरी में विरोध हमेशा अश्लीलता का विरोध करता रहूंगा, किसी से हमको डर है न भय है। बिल्कुल सर, अपने स्वाभिमान और इज्जत और सम्मान के साथ और अपने मर्यादा के साथ अगर मर मिटना भी पड़े ना, तो हम लोग भी इसी प्रकार से कसम खाए हैं कि अपने माँ बहनों के लाज के लिए, अपने भाषाओं के लाज के लिए और अपनी मर्यादा के लिए इन मूर्खों से लड़ेंगे। सर सुनाइए सर एक गाना, मैं भी अभी सुनने ही वाला था, बताने ही वाला था सर कि एक मतलब गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाइत, गीत भोजपुरी से अश्लील हटावल जाइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, दूषित समाज के भैला से बचावल जाइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत। पहला दोषी त लिखे वाला गीतकार बने, दूजा दोषी त गावे वाला गौनिहार बने, कैसेट कंपनी औरी दोषी सुननिहार बने, बैठ के सोची तई चारो गुनहगार बने, कलंकी गायक पर लगाम लगावल जाइत, कलंकी गायक पर लगाम लगावल जाइत, तकत नानी मन होइत, तकत नानी मन होइत। वाह मजा आ गया सर, गजब, मतलब ना रोंगटा खड़ा कर देने वाला गीत है सर। मैंने मतलब कहीं ना कहीं सर आपने 20 से 25 साल पहले ही आभास कर लिया था कि गंदगियां आना, फुहड़ता आना शुरू हो गया है, तब ने हालांकि आपके मानसिकता और दिमाग में ऐसा बात आया कैसे सर कि आप इस ऐसा है, उस समय भी एक दो हो गए थे। जी जी, उस समय भी एक दो हो गए थे, पैदा हो गए थे, तो इसलिए गाना पड़ा हमको। मतलब अपने विरोध मतलब गीत के जरिए ही आप उन मूर्खों का विरोध किए, उन फुहार कलाकारों का। जी जी, मतलब गीत के, ये मैं हालांकि सवाल रखा था लेकिन सवाल कहीं ना कहीं पूछने से पहले आपने दिल की बात को कर दिया सर। गौतम जी, ऐसा है कि संगीत का मतलब ये है कि संगीत से कुछ शिक्षा मिले समाज को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समाज में कुछ संदेश जाए, जो हमारे समाज में कुरूति छाई हुई है उस कुरूति पर चोट करिए ना सर। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सर एक सरस्वती, एक ना सरस्वती विद्या की भी देवी है और संगीत की भी देवी वही है, दोनों का जड़ वहीं से शुरू होता है। हम लोग के भिखारी ठाकुर अग्रज थे, भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र, जो महेंद्र मिश्र पूर्वी वो उस तरह से कोई आज तक न लिखा आना, वो तो उस तरह से कोई पूर्वी गा पाएगा। और भिखारी ठाकुर हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले,
उनको राय बहादुर से सम्मानित किया गवर्नमेंट सरकार, ब्रिटिश सरकार जी, और वो कुरीति पर उस समय वो इतने चोट किए, गबर की चोर लिखे, दमाद बद लिखे, बेट बेचवा लिखे, विदेशिया लिखे, बहुत सारा लिखे किताब जो समाज में कुरीति थी उसको उन्होंने किताब के माध्यम से अपना चारों तरफ ही किया। इन तो कहने का मतलब क्या, तुलना है ही नहीं। हमारे गीत के माध्यम से समाज में कुछ संदेश जाए, कुरीति पर दहेज है, भूड़ है, आपको गरीबी है, आपको पूर्वी है, बीरा है, ये सब का गाइए ना। बहुत सारे हमारे बीरा छिपा हुआ है भोजपुरी में, सोहर से लेकर के निर्गुण तक है, कोई छूता ही नहीं है। खाली लोग आएगा सिंगारस का गीत, ओठ में लाली कान में बाली पंबर पतली तो ये तो यही तक आएगा लोग। सर देखिए, कहीं ना कहीं अगर इन कलाकारों की आज कहा जाए कि बहुत बढ़िया रामायण की धारावाहिक या महाभारत का धारावाहिक भोजपुरी में शुरू होने वाला है, तो इन लोग की पैंट में जो होता है ना, है पैंट गीला होना, वो गीला हो जाएगा। उस प्रकार की गायक पहले थे कि उनके गायनों से मतलब ना लोग रो पड़ते थे, मतलब गनगनाने लगता था शरीर, लगता था कि मतलब गानों के जरिए ना युद्ध हो जाना, गानों के जरिए बारिश हो जाना, उस प्रकार के कला। इन लोग का कोई तुलना नहीं है सर, कोई तुलना नहीं है। इन लोग बस रस डालते हैं सर, बस इन लोग का अवार्ड से कहते हैं कि हमको रस डालना, एक ही अवार्ड मिलेगा। इन लोग को क्या बोले हम, पहले नाच होता था, नाच पहले होता था शादी विवाह में, नाच होता था, लोग नाच करता था सखा, आज लोग नाच को नहीं कर रहा है, अब इन लोग को सटा कर रहा है। चलिए फलाना आदमी का गाना भी हो जाएगा और नाच भी हो जाएगा। सर देखिए सर, हमारा विरोध लोग इसलिए भी करते हैं, मैंने कहा कि मैं वैसे कलाकारों को कभी इज्जत करूंगा नहीं जो भैया कह, लोग कहता है ना कि अपना तमीज तुम सुधार के बोल, तो हम कहना कि तुम्हारा भैया होगा, तुम्हारा मौसा होगा और तुम्हारा सब कुछ होगा, लेकिन हमारे लिए वो बस वही है जो हमारा मुंह से निकलता है। सर इज्जत उसी को देंगे ना, इज्जत लायक जो हो, दिल में बसने वाला काम ही नहीं कर रहे हैं सर, तो दिल में कैसे बसाएंगे इनको। अस्मिता और संस्कृति और उसके अंग का मतलब नाम लेकर, उनके छुपे कपड़ों वस्त्रों का नाम लेकर गायकी कर रहे हैं सर, उसका मैं इज्जत करूं? गौतम जी जे दर्द बढ़ा देला उम्मीद ना हो, जे दर्द बढ़ा देला उम्मीद ना हो, जे साथ छोड़ देला हित ना हो, जे सही चित्रण आंख के सामने ना खड़ा कर दे, सांच माने उस संगीत ना। अरे वाह वाह वाह, ये सब सर एक बात बताऊं सर, कहीं ना कहीं मतलब शिक्षा की भी कमी के कारण कहिए, देखिए पैसा तो कमाने के लिए वो वहाँ मैं क्या बताऊं, जगह वाली भी कमाती है, तो हम तो कहेंगे कि वहाँ ही साले लोग चला जाए, अगर तुमको पैसा कमाना है माँ बहन की इज्जत को शर्मसार करके। खैर अगले सवाल मैं करूँगा सर कि आजकल के कलयुगी गायक की मानसिकता है सर कि माँ बहन का नाम, उनके छुपे वस्त्रों का नाम व अंगों के नाम को बताना और उस गायकी के मतलब नीच स्तरीय गायन को गाना ही इनके लिए गायकी और स्टार्डम है सर, उसके बारे में दो चार शब्द कहिए। देखिए हम लोग का कार्यक्रम होता है ना जी, तो 50,000 पब्लिक मर्द रहेंगे तो 50,000 औरतें भी रहती है, बिल्कुल सर, देखने को मिलता है सर, लाइव हम लोग देखे हैं। और इन लोग के प्रोग्राम में एक लेडीज नहीं जाएगी डर से, बात तो मैं श्रोताओं को कहूंगा सर कि कभी कभी क्या होती है ना सर, अच्छाई देखिए, लेकिन आज तक हम अपने श्रोताओं को मैंने धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि जो हम लोग का प्रोग्राम कराता है, आज तक कोई कहता नहीं जब भरत जी एक डांसर लेते आएगा, वो डांसर के नाम लेगा उसका प्रोग्राम में नहीं लेंगे हम। हम बैठ कर लोग बिना, हम लोग बिना डांसर के आएगा ही नहीं। हम बैठ कर हारमोनिया बजा के गाते हैं, सुनना है तो बुलाओ, नहीं सुनना है तो घर, हम घर पर है सर, ये लोग हारमोनिया पर भी नहीं गा सकते हैं सर। इसकी ताकत मैं बता रहा हूँ सर ना, कि आज तो मैं बोलता हूँ कि आज जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से बताना चाहूंगा सर कि आपकी आज भी ताकत हम सभी को पता है कि अगर आज भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आपकी गायकी हो और दूसरे जगह पर अश्लील कलाकारों की गायकी हो, मैं बोलूंगा ना कि मर्दों से ज्यादा ना उन माताओं और उन बहनों का भीड़ होगा आपकी गायकी। बिल्कुल सर, आज भी मुझे पता है सर।
जी जी, ये तो सब श्रोताओं का प्यार कहिए, स्नेह कहिए। सर आपके द्वारा एक आखिरी सवाल रहेगा, सर आपके द्वारा एक दहेज प्रथा को लेकर बहुत बढ़िया और एकदम से रोंगटा खड़ा कर देना और रुला देने वाला एक दहेज प्रथा पे बेटियों के लिए सर एक गाना गाया गया था, जिसका बोल था सर जानती की जारल जेबू आगे में दहेज के। मैं चाहूंगा सर हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा एक इस गाने को अपने गीत है, एक गरीब किसान है जी, और वो गरीब किसान देखिए आज शादी जो है बहुत बड़ा समस्या है, शादी चाहे गरीब तबके के लोग हों चाहे अमीर हों, सबके लिए समस्या है जी सर। यदि बेटी सियान हो गई घर में शादी करना है तो सबके लिए बहुत बड़ा समस्या है। बिल्कुल, एक गरीब किसान अपनी बेटी को शादी करता है, यथा जो तिलक भी देता है, दान दहेज भी देता है, वो लड़की ससुराल जाती है और जा करके कुछ दिन के बाद ससुराल के लोग उस लड़की को ताना मारने लगते हैं, आपको उसको प्रताड़ना करने लगते हैं। लड़की तो सब कुछ सहन कर रखती है, ससुराल के लोग क्या क्या बोलते हैं, गाली देते हैं, उसको प्रताड़ना देते हैं, सब कुछ सहन करती है, इसलिए कि नैहर से सब कुछ देख करके आई है कि हमारा शादी कैसे शादी हुई, दान दहेज कैसे दिया गया, खेत बधारी बेचा गया, कर्ज गुलाम लिया गया, तब हमारी शादी हुई। लेकिन एक दिन ससुराल के लोग लड़की को जला देता है, मार देता है और नैहर में खबर दे देता है कि आपकी लड़की के पेट में दर्द हुआ और मर गई। लड़की की मतारी कहती है, वही गीत है ये, जनती जे जारल जईबू, जनती जे जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी, पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी, जनती जे जारल जईबू, आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती बेटी, कटले तू है बुरनिया बड़ा रे विपतिया, रोवते बीतल होई दिनवा उरतिया, माई कही के कुहकल होइबू, दुखवा अंगेज के पाप नहीं करती हो बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती बेटी। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऐसा गायन ना एक मैं क्या बताऊं, बस की बात नहीं है सर। इस युग में मैं बता रहा हूं, इस युग की मैं पूरा बात कर रहा हूं सर, किसी भी कलाकारों की बस की बात नहीं। ये तो मतलब अपने गायनों के जरिए सर पूरे दहेज प्रथा को मतलब जैसे सामने रख दिया सर, मैंने पीड़ित क्या होता है, एक बेटी कैसे प्रताड़ित होती है ससुराल में, फिर कैसे मतलब कैसे व्याख्या 5 मिनट के गानों में सर पूरे उसकी स्टोरी बता दी है सर। धन्य है प्रभु आपकी गायिका। ऐसा है गौतम जी। हेलो जी जी, सर आ रहे हैं। ऐसा है कि हम तो 2 बरस अपना स्टूडियो, मेरा बनारस में अपना स्टूडियो शारदा स्टूडियो है जी जी। अच्छा। जी अपना स्टूडियो रहते हुए भी जी इन लोग का इस तरह से गीत देख करके सुन करके मैं गाना ही रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था। मंच करते थे, मंच पे चारों तरफ जाते थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते थे, यूट्यूब पर नहीं डालते थे हम। लेकिन अब मैं ठान लिया हूं कि हर एक शुक्रवार को, हर एक मंगलवार को भरत शर्मा ऑफिशियल पर एक गीत नया जरूर आएगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर, हम तो चाहते हैं ना कि नए पीढ़ी के लोग, कल भी हमारे पापा हमारे दादाजी आपको सुनते थे, हम चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी भी सिर्फ और सिर्फ आपके तरह के गायनों को सुने। मैं विरोध सदा करता आया हूं अश्लील कलाकारों को और सदा करूंगा, मुझे तलाश है तो सिर्फ और सिर्फ
भरत शर्मा ब्याह जी जैसे गायकों को। चलिए, लोगों का प्यार सने बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, प्रभु की कृपा जिस तरह से बनी है हमारे ऊपर बनी रहे, तो आप लोग का सेवा करने का और भी हमको अवसर मिलेगा। सर 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 सर, हम दोनों आपके एक पुत्र के समान हैं सर, और आपकी छाया और आप लोगों का एक गार्जियन स्वरूप प्यार और आशीर्वाद है कि इतनी बड़े जंग को हम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि आप भी जान रहे हैं कि बहुत आसान नहीं है मूर्खों को समझाना। देखिए, ऐसा है कि मगहिया जवान आप दोनों जो है एकदम इसी तरह डटे रहिए, लड़ते रहिए, और एकदम सर डटे रहेंगे, एकदम एकदम लड़ाई लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और मैं चाहूंगा कि सर आखिरी में जाते जाते एक आशीर्वाद के तौर पे कहिए, या हमारे चाचाओं के लिए, मतलब बाओं के लिए, और जितने भी हमारे आपके पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए एक हमारा रिक्वेस्ट दोनों भाई का रहेगा सर, कि एक अपना निर्गुण गाकर उन लोगों को मतलब सुना दीजिए सर, प्लीज। जरूर 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 जरूर। घर बैठल रोवेली गुजरिया हो, ए माई घर बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल जाइब कैसे हम पिया की नगरिया हो, जाइब कैसे हम के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लागल घर बैठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लागल। सब श्रोता को भरत शर्मा ब्यास के तरफ से हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ, और सब श्रोता से आग्रह करता हूँ, निहोरा करता हूँ, चिरौरी करता हूँ कि अश्लील गीतों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, और अच्छे अच्छे गाना गाने वाले को आप उसका मनोबल बढ़ाइए और प्यार आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ मैं फिर प्रणाम करता हूँ एक बार भोजपुरी मगहिया जवान के गौतम जी और समर जी और उनके पूरे परिवार को, अपने श्रोता बंधु को फिर से सर नमस्कार, प्रणाम है आपको भी सर। तो आप सब देखे, हमारे साथ आज शिखर पुरुष कहा जाने वाले भोजपुरी के भरत शर्मा ब्यास जी मौजूद थे। तो हम कहेंगे कि इसी प्रकार से हम अश्लीलता के खिलाफ इस जंग में हर तरह के लोग जो अश्लीलता के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आंगन में लाते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, जितना भी कोशिश करना होगा हम लोग करते रहेंगे। हम दोनों भाइयों को विदा दीजिए। जय मगा, जय बिहार, जय भोजपुरी।